हेलो एवरीवन दोस्तों इस वीडियो में हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के रिगार्डिंग एक ऐसा क्वेश्चन फॉर्मेशन करने वाले हैं जो कि जुरिडिक्शन क्लॉज के रिगार्डिंग है तो क्वेश्चन ऐसा है एवरी ऑफेंस शैल ऑर्डिनरली बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड बाय अ कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुजिक्शन इट वॉज कमिटेड तो सेक्शन वन की ये लैंग्वेज है और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये मेंस क्वेश्चन फॉर्मेशन के रिगार्डिंग मेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग है आर दे एनी एक्सेप्शन टू द अबव रूल तो एक बार चेक करते हैं कि पूरा का पूरा जो 177 है अगर जुरिजिक्शन क्लॉज की बात करते हैं जुरजडिक्शन के रिगार्डिंग जो प्रोविजन हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में वन से लेके वन तक कवर्ड है एक बार इनका ओवरव्यू देखते हैं कि यहाँ पर जो ये क्वेश्चन फॉर्मेशन है इसके अकॉर्डिंगली इसकी एक्सेप्शन क्या क्या हैं अब दोस्तों यहाँ पर जैसे 177 है इसके रिगार्डिंग कुछ एक्सेप्शन ये बनती हैं 178, 79, 80, 81, 83 ये सब इसकी एक्सेप्शन हैं बेरेट का रेफरेंस लेते हैं एक बार तो चैप्टर जो 13 है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि प्रिलम्स के लिए डायरेक्टली जो हेडिंग पुट की जा सकती है और मेंस के रिगार्डिंग जैसा ये क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन फॉर्मेशन आ सकता है एग्जामिनेशन में ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल एवरी ऑफेंस शेल ऑर्डीनरली बी इंक्वायर्ड इन टू एंड ट्राइड बाई अ कोर्ट विद इन हूज लोकल जुरस्डिक्शन इट वॉज कमिटेड राइट तो अब अगली प्रोविजन देखते हैं जैसे वन सेवेंटी एट बात करता है प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल वेन इट इज़ अनसर्टन अगर ये चीज़ अनसर्टन है इन विच ऑफ द सेवरल लोकल एरियाज एन ऑफेंस वॉज कमिटेड ठीक है और अगर ऐसे क्लॉजेज होंगे वेयर एंड ऑफेंसिस कमिटेड पार्टली इन वन लोकल एरिया वेयर एंड ऑफेंसिस कॉन्टीइंग वन इन सब के रिगार्डिंग इट मे बी इंक्वायर्ड इन टू अर ट्राइड बाई अ कोर्ट हैविंग जुरस्डिक्शन ओवर एनी ऑफ सच लोकल एरियाज ठीक है नेक्स्ट जो प्रोविजन है जो यहाँ पर एक्सेप्शन है वन सेवेंटी नाइन ऑफेंस ट्राइबल वेयर एक्ट इज डन और कॉन्सिक्वेंस एनस्यूज दो जगह हो गया ठीक है अब किसी ने किसी को नाइफ स्टेप किया एरिया नंबर ए में उसकी डेथ हो गई एरिया नंबर बी में जाके ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा वेयर एन एक्ट इज़ एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनीथिंग विच हैज़ बिन डन और जहाँ पर उसके कॉन्सिक्वेंस हुए विच हैज़ एनस्यूर्ड द ऑफेंस में बी इंक्वायरिड टू और ट्राइड बाई कोर्ट विद इन हुज लोकल जूरडिक्शन सच चाहे ये जो एरिया है एक्ट हैज़ बिन डन और सच कॉन्सिक्वेंस चाहे वो बी एरिया का मेजिस्ट्रेट ट्राई करेगा राइट प्लेस ऑफ ट्रायल वन एट्टी भी एक्सेप्शन है प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू अदर ऑफेंस ठीक है एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे जैसे कि थेफ्ट का या रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी का राइट प्लेस ऑफ ट्रायल इन केस ऑफ सर्टन ऑफेंसेज वन एटी वन यहाँ पर स्पेसिफिकली ऑफेंसिस के रिगार्डिंग बताया गया है केसेस में किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी ठीक है अगर कोई भी ठग है मर्डर कमिटेड बाय ठग डॉइटी कोर्ट विद इन लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफेंस वॉज कमिटेड और द एक्यूज पर्सन इज फाउंड राइट लाइकवाइज सेकेंड क्लॉज में जो सबसेक्शन टू है किडनेपिंग और अबडक्शन के केस में मे बी इंक्वायर टू और ट्राइड बाय कोर्ट विद इन लोकल जुरिस्डिक्शन पर्सन वॉज किडनेप्ड और एबडक्टेड और वॉज कन्वेड कंसील्ड और डिटेन्ड ठीक है और अब देखते हैं वन एट्टी थ्री इन केस ऑफ अ जर्नी और वॉयज वेन एन ऑफेंस इज कमिटेड वाइल्स द पर्सन बाय और अगेंस्ट होम और द थिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ऑफेंस इज कमिटेड इज इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग अ जर्नी और वॉयज द ऑफेंस में बी इंक्वायरिंग टू और ट्राइड बाई अ कोर्ट थ्रू और इन टू हूज लोकलक्शन दैट पर्सन और थिंक पास्ट ठीक है वन 82 टू यहाँ पर कवर्ड है वन एटी थ्री कवर्ड है देन वन एटी फोर राइट वन एटी सिक्स एंड वन एट ठीक है तो ये सब क्या है ये आपका आंसर बनेगा कि आप सबसे पहले वन सेवेंटी सेवन का रेफरेंस देते हुए आप इन डिफरेंट जो क्लॉजेस दिए गए हैं डिफरेंट जो सेक्शंस हैं जहाँ पर जुरिस्डिक्शन की बात की गई यहाँ पर वन एटी एट भी कवर होगा ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया राइट अब दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं ऐसे वीडियोस और पोस्ट किए जाएं आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन फॉर्मेशंस और मिल पाएँ टाइम टू तो टाइम थैंक्स सर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो